श्री परमात्मने नमः। नित्य स्तुति। जो गज के मुख वाले हैं, भूत गणादि के द्वारा सेवित हैं, केत और जामुन के फलों का बड़े ही सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, शोक का विनाश करने वाले हैं और भगवती उमा के पुत्र हैं, उन विघ्नहरि गणेश जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। कायरता के दोष से उपहत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित श्रेय हो वो मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। जो सर्वज्ञ, पुराण, शासन करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का मैं चिंतन करता हूँ। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और संपूर्ण दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्व स्वरूप, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ। मैं आपको किरीट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि सब ओर से प्रकाश करने वाले, देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले, नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर, अक्षर ब्रह्म हैं। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाले और अपने तेज से संसार को संतप्त करते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वशु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम, गुण, लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग, प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम, गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं, यह सब होना उचित ही है। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता, आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत भी हैं और असत भी हैं, और सत असत से परे भी जो कुछ है वह आप ही हैं। आप ही आदि देव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही संसार के आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे सर्व, आपको आगे से नमस्कार हो, पीछे से नमस्कार हो, सब ओर से नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, अमित विक्रम वाले, आपने सब को समावर्त कर रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। आपकी महिमा और स्वरूप को न जानते हुए मेरे सखा हैं ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से हठपूर्वक बिना सोचे समझे, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत, हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय में अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार किया गया है वह सब
अप्रमेय स्वरूप आप क्षमा समा कराता हूँ। आप ही चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। इसलिए शरीर से आपके चरणों में पड़कर स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, ऐसे ही हे देव, आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में समर्थ हैं। हे प्रभो, आप ही माता और आप ही पिता हैं, आप ही बंधु और आप ही सखा हैं, आप ही विद्या और आप ही धन हैं। हे देवों के देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज के वचनानुसार यह स्तुति नित्य पढ़ने योग्य है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।